चैप्टर वन लेसन फोर। इसमें हमने पढ़ना है कोफिशेंते दी अदर आइंसा। कोफिशेंते दी अदर आइंसा जो है ये प्रैक्टिकली कैलकुलेशन जो है उसके बाद एक नंबर निकलता है जो जीरो और एक के दरमियान होता है, ठीक है जी। जीरो अगर हो तो इसका मतलब है कि टायर की बहुत कम ग्रिप है, यानी कि बिल्कुल ग्रिप नहीं है रोड पे, ठीक है। और अगर एक है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप है टायर पे। तो ठीक है, करते हैं इसके क्विज। अब वेरो वाली कंडीशन देखते हैं। इल कोई कोई फिशा है तेरी अंदर रहन सा फ्रापनियो में आती कोई स्फाल तो अमेंता से लसफाल तो एरुगोजो। इल कोई फिशा है तेरी अंदर रहन सा जो कोई फिशा है तेरी अंदर रहन सा जो वैल्यू है ग्रिप वाली फ्रापनियो में आती को टायर ये स्फाल तो रोड के साथ अमेंता बढ़ जाती है से लसफाल तो अगर रोड एरुगोजो, यानी कि अगर खुद रहे थोड़ा, ठीक है जी। अगर खुद रहे यानी कि बिल्कुल प्लेन नहीं है, शीशे की तरह नहीं है, तो जो कोएफिशिएंट दी अदर आइंस है वो बढ़ जाता है। इन कोएफिशिएंट दी अदर आइंस ऑफ रापिनियो मातिको एस्फाल्टो डिमिनुइशे से एस्फाल्टो ग्याचातो, यानी कि अगर इल कोएफिशिएंट दी अदर आइंस ऑफ रापिनियो मातिको टायर एस्फाल्टो फर्श डिमिनुइशे कम हो जाता है से एस्फाल्टो अगर रोड ए ग्याचातो, अगर रोड पे जो है बर्फ जमी हुई है तो ऑब्वियसली जो ग्रिप है वो कम हो जाती है। इल कोएफिशिएंट दी अदरेंसा वार या तब्दील होता है फ्रा जीरो ए उनो। इल कोएफिशिएंट दी अदरेंसा जो कोएफिशिएंट दी अदरेंसा है वार या तब्दील होती है फ्रा जीरो जीरो और एक के दरमियान। तो ऑब्वियसली ये जो है ये जीरो और एक के दरमियान एक बहुत ज़्यादा ग्रिप, जीरो बहुत थोड़ी यानी कि ना होने के बराबर की ग्रिप रोड पे, ठीक है। इल कोएफिशिएंट दी अदरेंसा वारिया फ्रा उनो ए दुए। जो कोएफिशिएंट दी अदरेंसा है वारिया तब्दील होती है फ्रा उनो ए दुए नहीं है जीरो ए उनो है, ठीक है। इल कोएफिशिएंट दी अदरेंसा ओमेंता से ला सुपरफिचे बन्याता। इल कोएफिशिएंट दी अदरेंसा जो है ओमेंता बढ़ जाती है से ला सुपरफिचे अगर जो सतह है ए बन्याता गीली हो, तो ऑब्वियसली ये फालसो है। जो गीली रोड होती है उस पर कम ग्रिप होती है। इल कोएफिशिएंट दी अदरेंसा ए प्यू आल्टो सुल्ला ग्याया के सुल एस्फाल्टो। इल कोएफिशिएंट दी अदरेंसा ए प्यू आल्टो ज़्यादा होती है यानी कि ग्याया कीचड़ वगैरह पे, ठीक है, के सुल एस्फाल्टो रोड पे। तो ये भी हमारा जो है फॉल्स हो गया। ओके, दरीवा प्रतिक्रमेंते। दरीवा वो चीज़ होती है जब गाड़ी जा रही है और मोड़ वगैरह फिरती है, मोड़ करती है, तो जो फोर्स से लेटरली उस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है, जिससे गाड़ी का जो हम चाह रहे होते हैं कि वो ये वाला मिसाल के तौर पे ये करे रास्ता, लेकिन गाड़ी जो है लेजर थोड़ी सी यानी कि एक और उसका जो है ना थोड़ी सी वो पुस्तार सी होती है उस दरीवा कहते हैं, ठीक है जी। दरीवा जो है वो गाड़ी के कन्वर्जेंसा जो गाड़ियों की गाड़ी के टायर की हमने यू सेटिंग करते हैं या कंपानातुरा ये वाली जो सेटिंग है टायरों की इस साइड इस तरह उस पे लोड पे, ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है ये दरीवा जो है। तो अब इसकी वेरो कंडीशंस देखते हैं। ये कन्वर्जेंसा जो है ये चीज़ होती है, ठीक है जी। टायर जो हैं इनको ये अब आगे से अंदर की तरफ हुए में दीवर चेंसर जो है पीछे की तरफ से अंदर हुए में जो इनकी इस तरह से सेटिंग होती है टायरों की उन्हें कन्वर्जेंसा कहते हैं। और जो कंपानातुरा है वो टायरों की इस तरह वाली जो सेटिंग है जैसे हम ये देख रहे हैं पॉजिटिवो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा यू है ये नेगेटिव है और ये ज़ीरो पे है, ठीक है। तो ये आंगोलो दी कंपानातुरा है। तो ठीक है, इनके वेरो कंडीशंस देखते हैं। लांगोलो दी दरीवा ए लांगोलो किसी क्रिया ट्रैक्टोरिया इदियाले ए क्वेला रियाले। लांगोलो दी दरीवा ए लांगोलो जो एंगल है दरीवा का लांगोलो एंगल है किसी क्रिया जो पैदा होता है त्राला ट्रैक्टोरिया इदियाले ए क्वेला रियाले। इदियाले ए क्वेला रियाले यानी कि आइडियल जो हम चाह रहे होते हैं एक वाला रियाल है जो प्रैक्टिकली होता है, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे हम जो हैं वो चाह रहे थे कि गाड़ी इस
इस जगह पे आए, ठीक है जी, टायर तो, लेकिन वो जाता इस जगह पे है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे पहले कुछ मैं आपको कह रहा है, ला दिरिवा ए लो स्कोस्टामेंटो della traiettoria compiuta dal veicolo rispetto a quella impostata dal conducente. La deriva, cioè, e scostamento alternare della traiettoria rasta compiuta dal veicolo gari ga, rispetto che mukable me quella impostata dal conducente, जो यानी कि ड्राइवर कह रहा होता है कि इस रास्ते पे गाड़ी जाए तो गाड़ी उससे थोड़ा सा परे जाती है, ठीक है, वो डेरिवा होता है। L'angolo di deriva è causata da forze trasversali. L'angolo di deriva è causata da forze trasversali. जो साइड से ताकते गाड़ी जा रही है और उसकी साइड से जो ताकते उस पे अप्लाई होती हैं उसकी वजह से ये उनकी वजह बनती है, ठीक है जी। L'angolo di deriva è legato alla flessibilità dello pneumatico. L'angolo di deriva è legato, giù là, alla flessibilità dello pneumatico tire की, ठीक है जी। यानी कि जैसे यहाँ पे भी इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, ये टायर की लचक जो है उससे जुड़ा हुआ है। La deriva dipende dalla forze laterali che agiscono sulle ruote. La deriva dipende करता है dalla forze laterali, जो forze laterali हैं che agisce sulle रोते, जो असर अंदाज होती हैं टायरों पे, ठीक है जी। यानी कि गाड़ी को अगर हम इस साइड से जोर दें तो टायर नीचे हैं तो वो थोड़ी सी जो स्पोस्टमेंटो करते हैं वो। La deriva dipende dalla pressione degli pneumatici, जो deriva है डिपेंड करता है टायरों के प्रेशर पे। La deriva dipende dal carico del veicolo, जो deriva है डिपेंड करता है गाड़ी के लोड पे, ठीक है जी। La deriva dipende dall'angolo di campanatura delle ruote, जो deriva dipende करता है angolo di campanatura delle ruote, यानी कि टायरों के ये जो एंगल सेट हुआ है इन पे डिपेंड करता है। La deriva dipende dalla convergenza, जो deriva है वो डिपेंड करता है कन्वर्जेंसा पे, कन्वर्जेंसा जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। ओके, फालसो जो कंडीशन है वो कौन सी है? La deriva e l'angolo che si crea tra due assi del veicolo. La deriva e l'angolo che si crea tra due assi del veicolo. तो ये हमारा फालसो है, जो deriva है वो एंगल नहीं है जो क्रिएट होता है tra due assi del veicolo, ये वो चीज़ है जो गाड़ी थोड़ी सी फोर्स ट्रांसवर्सले की वजह से मूव करती है थोड़ा सा, यानी कि जो हम रास्ता चाह रहते हैं कि ये गाड़ी वो रास्ता करे वो वाला रास्ता नहीं करती, थोड़ा सा परे करती है, ठीक है जी। जो कि हमने किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? प्रेशोने पे, प्रेशोने दिली पे निमाती ची, कारिको पे, कंपनातूरा पे, दले रोते और कन्वर्जेंसा पे और टायर की फ्लेक्सीबिलिटी पे, ठीक है जी। L'angolo di deriva è causata dalle forze motrici. L'angolo di deriva जो है इसकी वजह जो है फोर्से मोतरिची है, तो ये भी हमारा फालसो है, ठीक है जी। फोर्से मोतरिची का इस डेरीवा से कोई लेना देना नहीं है। L'angolo di deriva non dipende dall'efficienza delle sospensioni. L'angolo di deriva non dipende, यानी कि डिपेंड नहीं करता dall'efficienza delle sospensioni, efficienza कारकर्दगी delle sospensioni, गाड़ी के जो शॉक्स हैं। तो जो जो एंगल ऑफ द डेरिवा है वो डिपेंड करता है, जैसे अगर गाड़ी के शॉक ज़्यादा अच्छे हों तो एंगल ऑफ द डेरिवा जो है वो कम होता है, तो ये भी असरअंदाज होता है। तो इस वजह से ये हमारा फालसो है, क्योंकि इन्होंने नॉन डिपेंड लिखते हैं। L'angolo di deriva è indipendente dalle pressioni di gonfiaggio degli pneumatici. L'angolo di deriva è indipendente, यानी कि डिपेंड नहीं करता dalle pressioni di gonfiaggio degli pneumatici, ये टायरों के प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी हमारा फालसो है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि l'angolo di deriva è legato alla flessibilità dello pneumatico, dipende dalla pressione degli pneumatici, ok? अब फ्लेक्सीबिलिटी भी ऑब्वियसली, जब हमने कम हवा होगी तो उसमें लचक भी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ऊपर वेरो में भी देखा है कि डिपेंडे दल प्रेशर में दली पिनियो महाती, तो ये वाला जो है हमारा फाल्स हो गया। L'angolo di deriva è maggiore nei veicoli dotati di servo sterzo. L'angolo di deriva è maggiore, ज्यादा होता है nei veicoli, गाड़ियां dotati di servo sterzo. Servo sterzo वो सिस्टम है जो कि हमें आसानी से गाड़ी मोड़ने देता है, तो ये भी हमारा फाल्स है।
La deriva viene misurata in occasione della revisione periodica del veicolo. La deriva, cioè deriva è, viene misurata o semmai archiviaggiata in occasione della osmosi per della revisione revisione periodica del veicolo carica. La corretta manutenzione se service del veicolo carichi impedisce rotti e cam cartie mana cartie il verificarsi o della deriva deriva yani che ho tu ye bhi hamara falso hai theek hai ji to chale theek hai ab aage dekhte hain tamam gaadiyon ka एक सेंटर पॉइंट और तीन मेन एक्सिस होते हैं ठीक है जी। आसे दी रुलियो कौन सा है ये वाली ठीक है जी। आसो दी रुलियो गाड़ी जा रही है और जो ये वाला इफेक्ट करती है गाड़ी को वैसे ही यहाँ पे इस तरह होना चाहिए था। ये वाला जो इफेक्ट हुआ है इसे रुलियो कहते हैं ठीक है जी। आसे दी बैकैजो जो है वो ये वाला है। ये हमारा सेंटर पॉइंट और बैकैजो जो है वो गाड़ी का आगे की तरफ होना या पीछे की तरफ होना वाला इफेक्ट है ठीक है जी। और आसे दी इम्बरदाता आसे वर्टिकाले ओके ये वाला। अब ये जो है गाड़ी का ये चीज जो है लूंचीतुदिनाले है। लूंचीतुदिनाले और रुलियो बैके वाला इफेक्ट जो है वो लूंचीतुदिनाले पे होता है। और त्रसवर्टिकाले जो है ये साइड वाला जो है यूं वाला इससे बैकेज जो होता है ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसके ये वो रोटेशन है जो गाड़ी के लूंचीतुदिनाले एक्सिस के गिर्द होती है ठीक है जी। लूंचीतुदिनाले ये वाली इसके गिर्द होती है जैसे गाड़ी का राइट लेफ्ट की तरफ झोलना यानी कि जो फैक्ट हमें तस्वीर में नजर आ रहा है गाड़ी का झोलना शॉक और टायर्स की हवा पर भी डिपेंड करता है। लिक्विड वाली गाड़ियों में रुलियो ज़्यादा नाजुक होता है ख़ास तौर पे जब वो फुल भरी हुई नहीं होती ठीक है जी। जैसे हमने सी में ही पढ़ा था कि टैंकर में जब वो मूव कर रहा होता है पानी तो ज़्यादा ये वाला अफेक्ट हो रहा होता है। इल रुलियो दैल वेहीकोलो पो कॉम्पोर्टारे इल रिबाल्टामेंटो दैल वेहीकोलो। इल रुलियो दैल वेहीकोलो जो रुलियो है वेहीकोलो गाड़ी की पो कॉम्पोर्टारे उसकी वजह यानी कि हो सकता है उसकी वजह बन सकता है। इल रिबाल्टामेंटो उल्टना दल वेहीकोलो गाड़ी का रुलियो दल वेहीकोलो यानी कि गाड़ी का ये वाला इफेक्ट पो कॉम्पोर्टारे वजह बन सकता है। इल रिबाल्टामेंटो उल्टना दल वेहीकोलो गाड़ी का इल रुलियो दल वेहीकोलो देतो आंके कोरिकामेंटो यानी कि एक साइड पे ज़्यादा गिरना इन्फ्लुएंशिए असरअंदाज होता है नेगेटिवामेंटे सुलदरेंसा दली पिन्योमातिची यानी कि पूरे तरीके पे असरअंदाज होता है अदरेंसा ग्रिप दली पिन्योमातिची टायर्स का ठीक है जी। अब ऑब्वियसली जब ये गाड़ी इस साइड पे हुई है तो इन टायरों की जो ग्रिप है वो बिल्कुल कम हो गई है। इल फिनोमेनो दल रुल्लियो दी उन वेहीकलो चिस्तेरना पो एसरे एसल्टातो अलोर के सी परकोरा दुए कूर्वे इन रापिदा सुचेसियोने। इल फिनोमेनो जो फिनोमेनो द रुलियो यानी कि रुलियो वाला एक्शन जो है ठीक है ये वाली चीज़ जो है दी उन वेहीकोलो चिस्तेरना टैंक वाली जो गाड़ी है टैंकर जो है पो एसरे रिजल्टातो ज़्यादा हो सकता है अलोर के जब सी परकोरे चले दुए कूर्वे इन रापिदा सुचेसियोने यानी कि जब वो चले दो मोड़ों पहले एक मोड़ काटे और फिर दूसरा तो वो ज़्यादा हो सकती है। पानी जो है एक दफ़ा इधर और एक दफ़ा इधर वो जो छलक वाला इफेक्ट है वो करेगा। तो ये जो है फिनोमेनो दी दल रुलियो दी वेहीकोलो एसल्टातो ज़्यादा हो जाता है। L'entità del fenomeno del rullio dipende dallo stato delle sospensioni. L'entità del fenomeno, ये जो है फिनोमेनो del rullio, डिपेंड करती है दल स्टेटो हालत दल सस्पेंशन जो गाड़ी के शॉक्स हैं ठीक है जी। ऑब्वियसली अब गाड़ी अगर इस तरफ हो रही है तो शॉक्स जो हैं डिपेंड करता है गाड़ी के शॉक्स की क्या सिचुएशन है। तो गाड़ी के जो शॉक्स वगैरह होते हैं वो ये वाले होते हैं ठीक है।
il rullio del veicolo è un movimento stabilizzante che non influisce sul carico. Il rullio del veicolo, effetto rullio e carica yugumna del veicolo carico, è un movimento stabilizzante, yani che stabile, che non influisce giù a sarantasni o ti sul carico il saman pe ti che di giù a fazano trave to ye non è stabilizzante o ti che ora sarantaso ti è aapke load pe ye ni che giù ci sampre pani tha isme to ab wo pani bhi sara jo hai wo is side pe aaya hai ti che. Il rullio del veicolo non è influenzato dal comportamento di guida. Il rullio del veicolo, cioè il rullio del veicolo è, non è influenzato a sarandasni o di dal comportamento di guida, yani che jo driving ka behavior è usi pe sarandasni o di obviously hoti hai gaadi jo hai wo ek side pe ho jati hai, ek side ke tyro ki grip jo hai wo kam ho jati hai. तो अब स्टार्ट करते हैं इन बैकेंचो वो मूवमेंट है जो गाड़ी के बायोसेंट्रो से ट्रांसवर्स एक्स के गिर्द होती है, यानी कि बायोसेंट्रो के इस यानी कि इसके गिर्द यानी कि यूं आगे और पीछे जो होती है, जैसे गाड़ी आगे और पीछे की तरफ का यानी कि झोलना, और लोड की पोजीशन पर भी असरअंदाज होती है. ठीक है, ये मुसाफिरों यानी कि सवारियों के लिए भी खतरनाक होती है. ठीक है, गाड़ी का एकदम चलना और रुकने से भी ये मूवमेंट पैदा होती है. तो अब इसके जो वेरो कंडीशंस हैं देखते हैं. इल बेक्के जो इन मूवमेंटो डिस्टेबिलिजाते के पो कंपोर्टारे उन पेरिकोलोसो स्पोस्टामेंटो दल कारिको. Il beccheggio, cioè beccheggio è un movimento, è un movimento destabilizzante, cioè instabile, che stabile non è, che può comportare, che si vede un pericoloso, un spostamento, hilna del veicolo, gadi, ka, del carico suman, ka, tesi se break legati, egdam resti, tanto suman, cioè è un anche più sotto. Il beccheggio del veicolo è un movimento destabilizzante, che può comportare un significativo disagio per i passeggeri. Il beccheggio del veicolo gari che è un movimento destabilizzante, che stabile non è, che può comportare, che vaja ban se ti è un significativo, che sei tri che se nazaraya zairo disagio taklif per i passeggeri, jo musafir hai. Thik hai ji, il beccheggio è un moto oscillatorio attorno all'asse trasversale baricentrico del veicolo. Il beccheggio è un moto, yani che ye karkat hai oscillatorio, jo oscillatorio jo movement hai attorno all'asse trasversale con serie, yani che is trans side wala, jaise maine aapko yahan pe bataya tha, asse trasversale ye wali cheez jo hai asse trasversale hai, ye longitudinale hai. Asse trasversale baricentro del veicolo, cioè gaadi ke baricentro che è, ठीक है जी, यानी कि इस पॉइंट की ये बात कर रहा है. Il beccheggio può dipendere dalla flessibilità e morbidezza delle sospensioni. Il beccheggio dipende kar sakta hai dalla flessibilità, lachak aur morbidezza, narmi delle sospensioni. Obviously ye bhi जितने यानी कि आपके जो शॉक नरम है या लचक वाले हैं, ये उतना ही ज़्यादा इफेक्ट आपको मिलता है. Un autocisterna carica è meno soggetto al fenomeno del beccheggio. Un autocisterna, एक जो पानी वाली टैंकी है, carica full loaded, è meno soggetta, उस पर कम होता है फिनोमेनो del beccheggio. तो ये हमारा फॉल्स है. ठीक है जी, ऑब्वियसली उस पर भी बैकेजो इसी तरह होती है. इल बैकेजो इन्फ्लुएंसातो दलो स्टाटो दी जूरा दे पिन्योमाटिची, ये जो बैकेजो है इन्फ्लुएंसातो असरअंदाज होती है स्टाटो हालत दी जूरा घिसना दे पिन्योमाटिची टायर्स का. तो ये सस्पेंशन पे डिपेंड करती है, ना कि टायर्स पे. इल बैकेजो नोना इन्फ्लुएंसा सोला मार्चा दल वेहीकलो. इल बैकेजो नोना इन्फ्लुएंसा, ये असरअंदाज नहीं होती सोला मार्चा चलना दल वेहीकलो गाड़ी के गाड़ी पे. तो ऑब्वियसली गाड़ी ये एक फोर्स ऑफ डिस्टेबिलिजेंट है. ठीक है, ये अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली चलने पे ये चीज़ असरअंदाज होती है. Il beccheggio del veicolo è un movimento fastidioso
per i passeggeri, ma non pericoloso in quanto non comporta la riduzione di aderenza degli pneumatici. Ok, il parcheggio del veicolo, geoparcheggio del veicolo e movement è fastidioso, geotecnico, dettagli a parciangar, è per i passeggeri, musafro, ma non pericoloso, gioco catarnac, né è in quanto già che non comporta eschebartao, ma la riduzione, che non comporta la riduzione che gli camne, aderenza, grip degli pneumatici, cam carti or musafro gobi you have to give di tieto gibi mara falso. Il beccheggio del veicolo in curva si oppone alla forza centrifuga. Il beccheggio del veicolo il beccheggio affetto beccheggio veicolo in curva morme si oppone mucalfat cartie alla forza centrifuga isca qui us forza centrifuga se qui lena denania to gibi mara falso gia Baricentro, già siamo nel first lesson mi parlato che baricentro, vuole la point, center point, load guardi che change or baricentro che si guardi che va dal center point. Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando la curva stessa è più stretta. Il rischio gioca 3 di ribaltamento ultana del veicolo carica in curva morme aumenta barge a te quando già la curva mor stessa voi vala è più stretta vieni che tango vieni che gioca carica io vorrei se ci sono tigeri is morme zada gio è io vola zada catanake perché io vola zada stretta è tanghe. Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando il baricentro è più alto. Ovviamente, il baricentro più alto è un c'è carica, to vo ospebise da catrote cariche, yani il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando aumenta la forza centrifuga. Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta bar già te già aumenta bar la forza centrifuga. Già forza centrifuga già è un morme bar detto ovviamente tabi rischio di ribaltamento ultene ca tra bar già te. Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando aumenta la velocità il rischio di ribaltamento catra ultenega del veicolo carica in curva morme aumenta barge te quando già aumenta bare la velocità speed to obviously speed morme jo hai wo gari che ultenega sabab ban sakta hai. Ab iski falso condition jo hai wo dekhte hain la mancata revisione periodica del veicolo provoca il suo ribaltamento in curva, la mancata revisione, yani che na karwai ho gari ki jo passing hai del veicolo gari ki provoca vaja banti hai il suo ribaltamento uska ultana in curva morme revisione ka koi lena dena nahi hota ultane se. Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando aumenta la carreggiata del veicolo. Il rischio gioca 3 di ribaltamento ultana del veicolo carica in curva morme aumenta barge a te quando già aumenta barre la carreggiata del veicolo. Carreggiata del veicolo che ho te? Ye ek tire hai, theek hai ji? Ye beech mein axle aur ye dusra tire hai, theek hai? जब ये ज़्यादा बढ़े ठीक है अब एक एक गाड़ी का एक टायर इस जगह पे है और एक टायर इस जगह पे है और एक गाड़ी ये ठीक है और इसके इसके ऊपर ये वाला सामान वाला बॉक्स लगा हुआ है और इसके ऊपर ये वाला सामान वाला बॉक्स लगा हुआ है ठीक है। अब इसका करेजाता जो है यहाँ से यहाँ तक है तंग है तो इसका ज़्यादा खतरा है उल्टने का ठीक है जी। जिसका करेजाता ज्यादा खुला है वो करेजाता इस पॉइंट से इस पॉइंट को कहते हैं यानी कि एक टायर से दूसरे पॉइंट तक यानी कि इस गाड़ी का करेजाता इतना है। तो अब उल्टने का डर उसे है जिसका करेजाता कम है ठीक है जी। जितना ज्यादा करेजाता खुला होगा इतनी गाड़ी जो है वो स्टेबल हुई होगी। Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando aumenta la forza peso. Il rischio di ribaltamento jo hai, del veicolo in curva morme aumenta barge a te quando già aumenta bare la forza e peso. To iska forza e peso ka is si se gulena dena nahi hai to obviously mara ye bhi false ho gaya.
l'energia cinetica, l'energia cinetica che ha cise, gli vuo energia giù har chal ti cisme o tie, ti che di giocare chal rie, usca giù chal ne vuo energia cinetica, gli energia usis che vazan che brabar o tie, gli energia usis che vazan che brabar o tie, or gli gari co rotte vakt braking system che zari heat ban kar zaya ho jati hai, ti che di energia cinetica giù hai gari giù chal rie, giù energia uske andar hai, usi energia cinetica che tie, गाड़ी को ब्रेक लगाने में भी मुश्किल पैदा करती है, ठीक है जी। ऑब्वियसली ये आप एनर्जी वो वाली है जो गाड़ी आगे चल रही है, जो उसमें एनर्जी है उसे एनर्जी चेनेटिक का कहते हैं, तो ब्रेक लगाने में भी मुश्किल पैदा करती है, यानी कि हमने ब्रेक उसे रोकने के लिए ब्रेक लगानी होती है। ओके, अब इसके वेरो कंडीशंस देखते हैं। इल उन वेहिकलो इन मूवमेंटो ए दोतातो दी एनर्जी चेनेटिक प्रोपोर्शनाले अला सुआ मासा। Un veicolo in movimento e gari di movement è dotato di energia cinetica, giù energia cinetica è proporzionale alla sua massa. Ovviamente, giù bari gari è usme energia cinetica, vo chal ria ape ek motorcycle ko yu dhakka dete hain, usme energia cinetica aa jati hai, aur ek truck hai use dhakka dete hain aur usme energia cinetica aa jati hai, to obviously ab rokna kisse zyada aasan hai, जो मोटरसाइकिल है उसे, जो ट्रक है अब उसे रोकना जो है वो मुश्किल है, ठीक है। तो डिपेंडेंट द ला मासा, यानी कि वजन पे डिपेंड करती है। उन वेहिकल इन मूवमेंट तो तातो दी एनर्जी सिनेटिका तातो मजोरे क्वांटो मजोरे ला सुअ वेलोसिटा। ओके, un veicolo e gari in movimento già barcat carriere dotato di energia cinetica vuol dire energia cinetica tanto maggiore utni zyada quanto maggiore jitni zyada e la sua velocità jitni zyada uski speed hai, theek hai। To jitni zyada speed hogi utni zyada usme energia cinetica hogi, speed aur vazan ye do cheezon pe depend karti hai। In fase di frenatura di l'energia cinetica viene dissipata in colore attraverso il sistema frenante। Ab jab गाड़ी चल रही है और हम उसमें एनर्जी शिनेटिक है, जब वो चल रही है और हम ब्रेक लगाते हैं तो वो जो एनर्जी शिनेटिक है वेने दिसिपाता उसे ज़ाया किया जाता है, हीट अट्रावर्सो हीट, यानी कि ब्रेक जो है वो रगड़ लगाती है, हीट पैदा होती है और उससे जो एनर्जी शिनेटिक थी गाड़ी की वो कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है। लर्नर्जिया चिनेटिका इन्फ्लुएंशिया सोलो स्पाशियो दी फ्रेनाता दल वेहीकलो, लर्नर्जिया चिनेटिका जो एनर्जिया चिनेटिका है इन्फ्लुएंशिया असरअंदाज होती है सोलो स्पाशियो दी फ्रेनाता जो ब्रेकिंग स्पेस है दल वेहीकलो गाड़ी की, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है स्पीड के साथ जुड़ी हुई होती है और जो ब्रेक है वो भी स्पीड के साथ जुड़ी हुई होती है, तो ये इस वजह से असरअंदाज होती है स्पाशियो दी फ्रेनाता पे, यानी कि वो हिस्सा जिस पे गाड़ी ने रुक ब्रेक लगानी होती है, ठीक है जी, वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पाशियो दी फ्रेनाता भी बढ़ जाएगी। अल ओमेंटारे दल एनर्जी सिनेटिका डिमिनुइशे लो स्पाशियो दी रेस्टो दल वेहिकलो, अल ओमेंटारे जब बढ़ती है एनर्जी सिनेटिका डिमिनुइशे कम हो जाती है लो स्पाशियो दी अरेस्टो दल वेहिकलो, गाड़ी की जो रुकने वाली है ताकत, लो स्पाशियो दी अरेस्टो जो जगह है रुकने वाली वो कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो जब ये बढ़ती है तो ऑब्वियसली एनर्जी चिनेटिका हमने कहा कि वजन और स्पीड से बढ़ती है, तो जब वो ज्यादा होगी तो स्पाशियो दी अरेस्टो भी बढ़ जाएगी। एनर्जी चिनेटिका है प्रोपोर्शनल अल कोएफिशिएंट दी रेजिस्टेंस एरोडायनामिका दल वेहिकलो के नो क्षेत्र, एनर्जी चिनेटिका है प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट दी। ओके, ये हमने कहा है कि मासा वजन और विलोचिता जो है उसके साथ बढ़ती है, ना कि ये एरोडायनामिक। ओके, एनर्जी चिनेटिका ओमेंटा कुन लोमेंटारे दी टेंपी दी रिएक्शन दल कंडुचेंटे, एनर्जी चिनेटिका जो है बढ़ जाती है कुन लोमेंटारे बढ़ना दी टेंपी टाइम दी रिएक्शन दल कंडुचेंटे, जिस टाइम में टेंपी दी रिएक्शन कौन सी है, वो वाला टाइम है जिसमें ड्राइवर जो है एक खतरा महसूस करता है और उस और अपना पाँव जो है रेस से छोड़ के ब्रेक की तरफ लेके जाता है, उसे टेंपी दी रिएक्शन कहते हैं, तो ये भी हमारा फालसो है, ठीक है जी। इस तरह का एनर्जी चिनेटिका बढ़ जाता है, नो ना सेंस। और एनर्जी चिनेटिका ओमेंटा नेला फाजे दी फ्रेनातुरा दल वेहिकलो, एनर्जी चिनेटिका जो है बढ़ जाती है नेल फाजे दी फ्रेनातुरा दल वेहिकलो, ओब्वियसली कोमिंचा डुमिनुइर है वो कम हो जाती है, तो ये भी हमारा फालसो है। तो अब जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का जो हमने ये वाला मॉड्यूल है
कर लिया फोर्स से चेंज सुई व्हीकल इन मूवमेंट। तो ये वाला अब आपने सेलेक्ट करना है और इसके बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, जितने ज़्यादा कुछ करेंगे ये चैप्टर, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि फिजिक्स के साथ सारा जुड़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कुछ करें इसके ताकि जो आपके डोर्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएं, और आपने अगर कोई पॉइंट वगैरह नोट करना है वो भी नोट कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।